हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन फोर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। और ये क्वेश्चन की यह भी खासियत है कि ये क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट बुक के अभी तक जो आपने सब कॉन्सेप्ट पढ़े वो सबका रिविजन हो रहा है। तो एक बार देखना तो पूरा चैप्टर आपका ये क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल We will read the question. Obtain all other zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. हम one करके एक एक लाइन को समझेंगे। Obtain all other zeros. That means we have to find the other zeros. दो zeros हमें दिए हुए हैं। कौन से दो zeros है? 5 by 3 and minus root 5 by 3. आपको मैंने पहले भी बोला था जीरोस मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो उसमें हमें जो x की वैल्यू मिलती है वो होते हैं हमारे जीरोस। तो यहाँ पे देखिए हमें दो जीरोस पहले से दिए हुए हैं, रूट 5 बाई 3 एंड माइनस रूट 5 बाई 3। बट ये पॉलिनोमियल के इसके अलावा भी अदर जीरोस है तो वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो ना तो उसको आप स्टेप में डिवाइड कर लो ताकि आपको पता चले, और आपको पता है कि बोर्ड में स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। चलो अगर शायद से आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक दो स्टेप समझ में आ गए तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 स्टेप लिखे। मेक जी ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन जीरोस। अभी देखो आपको यहाँ पे दो जीरोस दिए हुए हैं, तो वो दो जीरोस पे से आपको क्या करना है? जी ऑफ एक्स बनाना है। जी ऑफ एक्स क्या होता है? हम पी ऑफ एक्स यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है उसको डिवाइड करते हैं जी ऑफ एक्स से, तो वो हमें सबसे पहले बनाना है। कैसे बनाएंगे? आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपको जीरोस दे, हियर रूट 5 बाई 3 एंड माइनस रूट 5 बाई 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। किसी भी जीरोस को फैक्टर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है? एक्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि रूट 5 बाई 3 है तो एक्स माइनस रूट 5 बाई 3, एक्स सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, यहां पे क्या है? माइनस रूट 5 बाई 3, तो माइनस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। दोनों के बीच रिलेशन क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन का। गॉट इट? नाउ एक्स माइनस रूट 5 बाई 3, एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस रूट 5 बाई 3 इज इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास एक इक्वेशन है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी ये a, ये b, ये a, ये b, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? यहां तक सबको पता चला। अभी हम क्या करेंगे? ये 3 यहां पे इसके डिनोमिनेटर में है, यहां पे नहीं है, तो इसके साथ एलसीएम में जाएगा, और ये 3 इक्वल टू के इस साइड भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? जी ऑफ एक्स मिला। हमारा एक स्टेप यहां पे खत्म हुआ। बट मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें जी ऑफ एक्स मिले तो हमें पहला काम क्या करना है? उसका ऑर्डर चेक करना है। तो यहां पे देखिए हमारे पास 2 पावर वाला टर्म है 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या होना चाहिए? 1 पावर वाला टर्म जो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एड करेंगे प्लस 0x माइनस 5। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ये खत्म हो गया। नाउ सेकंड स्टेप, डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है 3x रेस टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, उसको हम क्या करेंगे? जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। नाउ सी थ्री एक्स रेस टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5,
किससे डिवाइड करेंगे हम, 3x² प्लस 0x माइनस 5। नाउ सी, मैंने आपको कल बताया था क्या करना है हमें, पहले 3x² लिख लो, 3x² प्लस 0x माइनस 5। नाउ ये टर्म को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ, 3 हमारे पास है, तो कोई भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या है हमारे पास, x² और यहाँ पे क्या चाहिए, x^4। कितना कम पड़ रहा है, पावर 2, तो हम x^2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x² का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के साथ, सो इट बिकम्स 3x^4 प्लस 0x³ माइनस 5×x² माइनस 5x², ये तीनों टर्म को यहाँ पे लिख देंगे, 3x^4 प्लस 0x³ माइनस 5x², और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया वो हम कोशेंट में लिखेंगे x². नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस प्लस प्लस 3x^4 माइनस 3x^4 कट। नाउ 6 माइनस 0 6x³ प्लस माइनस, भूलना नहीं है 5 की निशानी क्या होगी, प्लस की, तो 5 प्लस है 2 माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3x² साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट मींस प्लस माइनस 10x। अगेन सेम स्टेप, 3x² प्लस 0x माइनस 5 लिख दो, ये वाला यहाँ पे लिख दिया मैंने, लाना क्या है 6, हमारे पास क्या है 3, तो 3 के टेबल में 6 कब आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। नाउ यहाँ पे क्या लाना है, x³, हमारे पास क्या है x² तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो प्लस 2x, 2 3 6x³ प्लस 2 × 0 0x² प्लस माइनस माइनस 10x, गॉट इट। नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3 में से 0 जाएगा, 3x² साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट इज प्लस, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, प्लस 0x लिख दो, कुछ भी नहीं है तो नीचे माइनस 5, गॉट इट। अभी देखो 3x² प्लस 0x माइनस 5। नाउ सी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा मैच हो रहा है, 3x² 3x² 0x 0x माइनस 5 माइनस 5, जब भी दोनों मैच हो जाए तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सब डिजिट क्या हो जाएंगे, एज इट इज, क्योंकि हमारा काम क्या है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सेम करना, मैच करना। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1, याद रखना है यहाँ 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1, सेम लिख लो, 3x² प्लस 0x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 0, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप भी खत्म हो गया, डिवाइड p(x) बाय g(x). अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो डिवीजन किया वो सही है, जब भी ऐसा फाइंड द जीरोस वाला सम आए तो आपको देखना है कि यहाँ पे रिमाइंडर में कंपलसरी 0 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका कोई डिजिट बचता है, दैट मीन्स आपने कहीं पे मिस्टेक की है, तो आपको आपका सम फिर से चेक करना है और उसको करेक्ट करना है। नाउ अवर थर्ड स्टेप क्या करना है, देन फाइंड जीरोस ऑफ कोशंट, जैसे कि इसे हम क्या बोलते हैं, कोशंट। इसके जीरोस फाइंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 4 और 20, जैसे मैंने आपको बताया था 4 5 20, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन के क्या होता है, हमारा p(x) मिलता है, वैसे ही ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन के क्या बनेगा, ये वाला पोलिनोमियल। नाउ सी, आपको कैसे लिखना है, 3x² माइनस 5 × x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है, हमें किसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसको, इसके जीरोस फाइंड करने हैं p(x) के, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अभी देखो इसके जीरोस हमारे पास पहले से ही थे, √5/3 एंड −√5/3, तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जीरोस हमें किसके फाइंड करने हैं, x² प्लस 2x प्लस 1। नाउ आपको पता है कि जब भी तीन टर्म का पॉलीनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, तो हमारे पास कौन सी मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, 1 1 1। अभी आपको 1 के कैसे फैक्टर निकालना है, कि एडिशन 2 आए, इट्स सिंपल, 1 1 1
1 + 1 = 2. तो हमारे फैक्टर कौन से आए, 1 and 1. नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस वन एज इट इज, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रखना है, जैसे कि आपको मैंने बोला है. हमारे फैक्टर कौन सा है, 1 नहीं लिखे, लिखे चले तो हम यहाँ पे डायरेक्टली x लिख देते हैं. जब भी तीनों टर्म प्लस हो तो आपको आंख बंद करके बीच में प्लस का ही साइन रखना है. गॉट इट? तो कहीं पे माइनस आएगा नहीं. कब? जब तीनों टर्म क्या हो, प्लस हो तब. नाउ डिवाइड इट इन टू टू टर्म्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दोनों में से क्या निकालना है कॉमन, x. यहां से x कॉमन निकलेगा 1. सी x प्लस 1, यहां से यहां पे ऑलरेडी हमारे पास x प्लस 1 है, तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा. तो 1 अंदर क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको मैंने ये दोनों को एक जगह ले लिया, x प्लस 1 को एक जगह पे ले लिया. तो x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1. तो हमारे अदर जीरोस क्या है, सो द अदर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल आर माइनस 1 एंड माइनस 1. जब भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर पूछा है तो आपको कंपलसरी स्टेटमेंट फॉर्म में ही आंसर लिखना है. तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. और जैसे कि मैंने आपको बोला था, सभी कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो जाता है, बट इसको आपको कैसे करना है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपके लिए इजी रहे. नाउ फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट. सी ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलीनोमियल जी ऑफ एक्स, द कोशंट एंड रिमाइंडर वेर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी ऑफ एक्स. अभी तक क्या था, आप जीरोस फाइंड करते थे या फिर फैक्टर्स फाइंड करते थे, वो था. अभी आपको क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जी ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, कोशंट रिमाइंडर तो आपने पहले ही देख लिया है. तो पी ऑफ एक्स जो हम डिविजन के अंदर लिखते हैं, इसे बोलते हैं पी ऑफ एक्स डिविडेंड. उसके बाद जी ऑफ एक्स मीन्स क्या होता है, डिविजर. जो बाहर की साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजर. कोशंट जो हमारा ऊपर आंसर आता है वो, एंड रिमाइंडर नीचे वाला. तो इन सब का एक रिलेशन है, इक्वेशन है आपको जो याद रखना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और आर ऑफ एक्स क्या करते हैं, हम उसमें एड करते हैं. तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स. अभी आपको पहला काम क्या करना है, अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर दी ना, तो आप सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम कर दोगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फाइंड करना है ना, उसको एक साइड रहने दो. जी ऑफ एक्स को मैंने इस साइड रहने दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, आर ऑफ एक्स इस साइड जाएगा, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस पी. तो होगा क्या यहाँ पे, पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स. अभी देखो आपको जी ऑफ एक्स को इस साइड रखना है, जी ऑफ एक्स के साथ क्यू ऑफ एक्स कौन से रिलेशन में है, मल्टीप्लीकेशन के. तो मल्टीप्लीकेशन से इक्वल टू के इस साइड आता है तो वो क्या हो जाता है, डिवीजन. तो q ऑफ x कहां पे आ जाएगा, डिवीजन में. एक बार ये इक्वेशन बन जाए फिर आपको वैल्यू पुट अप करनी है ताकि आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाए. नाउ पुट द वैल्यू, p ऑफ x की वैल्यू. सबसे पहले आप ऐसे डेटा लिखने की हैबिट रखना ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको. एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर ऑफ एक्स क्या है, जब भी माइनस हो बीच में तो आपको कंपलसरी डिजिट ब्रैकेट के अंदर रखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो. माइनस 2x प्लस 4. नाउ क्यू ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. नाउ सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले ये चार टर्म एज इट इज लिख देंगे हम, x क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2. नाउ ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या हो जाता है, चेंज. 2x क्या है, माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2. गॉट इट? नाउ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लाइक टर्म्स को पहले एक साथ कर दो. x क्यूब माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस फोर डिवाइड बाय एक्स माइनस टू. सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ ऑलवेज बिगर डिजिट. आपको खुद से इक्वेशन पूछना है ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस्टेक कहां पे करते हैं, प्लस माइनस लगाने में ही करते हैं. एक्स माइनस टू. नाउ ये दोनों डिवीजन में है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको. करो डिवाइड एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू. नाउ जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे ही x माइनस टू को लिख लो. क्या लाना है हमें, x क्यूब. हमारे पास x कितना है, 1. कितना कम पड़ रहा है, 2. तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, चेंज द साइन, कट, प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर साइन इज ऑफ बिगर डिजिट प्लस थ्री एक्स एज इट इज एक्स माइनस टू. नाउ अगेन क्या लाना है, एक्स स्क्वायर. हमारे पास कितना एक्स है, 1. कितना कम पड़ रहा है, 1x कम पड़ रहा है. तो एक्स को कर दिया आके मल्टीप्लीकेशन में, बट क्या लाना है, माइनस. तो माइनस से करेंगे तो यहां पे लिख लो माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स. गॉट इट. नाउ प्लस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3x माइनस 2x, x माइनस 2. अगेन यहाँ पे लिख लो x माइनस 2, सी बोथ आर सेम. जैसे कि मैंने आपको बोला था जब भी सेम हो जाए आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लीकेशन करना है, प्लस 1. एज इट इज लिख लो x माइनस 2 माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0. तो हमारा आंसर आ गया g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है. आई होप इट्स वेरी इजी चैप्टर. और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई बाहर के क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन रख सकते हो, आई विल गिव यू अ रिप्लाई. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.